लास्ट लेके आ रही है अपनी दूसरी गेंद। यहाँ पे विकेट गिरी है, यहाँ पे सुल्ताना आउट हो चुकी है। यहाँ पे अमीना सुल्ताना आउट हो चुकी है 13 बॉल पे 8 रन बना के। और अभी बांग्लादेश का स्कोर है 17 पे 3। यहाँ पे आपको बता दें अभी बांग्लादेश का स्कोर हो गया 17 पे 3, 5 ओवर 1 विकेट पे सुल्ताना आउट होते हुए। और आज अगर देखें तो बांग्लादेश की तरफ से कुछ खासा कमाल हो नहीं रहा है अभी तक। 17 रन निकले हैं और सिर्फ 3 विकेट, ये 3 विकेट गिर चुके हैं। 17 रन निकले हैं, 5 ओवर हो चुका है। यहाँ पे अभी नए बल्लेबाज आ रही निगार सुल्ताना, जो कि 26 साल की उम्र है, 86 मैच खेल चुकी है और 1602 रन बना चुकी है। यहाँ पे स्ट्राइक रेट 90 के हिसाब से, 90 स्ट्राइक रेट से रन बनाती है और 113 रन इनका बेस्ट है निगार सुल्ताना का। और आपको बता दें निगार सुल्ताना जो कि पहला रन दे के अभी यहाँ पे स्ट्राइक दी है लता मंडल को, और सामना करेंगी क्लास का लता मंडल यहाँ से। और लता मंडल यहाँ से 10 बॉल पे 6 रन बना चुकी है। यहाँ पे आज कुछ अच्छा हो नहीं रहा बांग्लादेश वुमेन्स का। जैसा कि आपको बता दें अभी तक 18 रन बना है यहाँ पे, 18 रन 5 ओवर हो चुका है, लेकिन 3 विकेट खो चुकी है बांग्लादेश यहाँ पे। और क्लास का तीसरा जो गेंद आया वो डॉट हुआ है यहाँ पे, तीसरा गेंद यहाँ पे डॉट होते हुए। और सामना कर रही है लता मंडल यहाँ पे। और आपको ये बता दें कि साउथ अफ्रीका टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बांग्लादेश को मौका दिया है बैटिंग करने के लिए। और यहाँ पे बता दें बांग्लादेश वुमेन्स जो है 18 रन बना के 3 विकेट खो चुकी है, ज़्यादा रन बना नहीं है यहाँ पे। और चौथा गेंद जो क्लास का आते हुए वो भी डॉट हो रहा है यहाँ पे, वो भी डॉट होते हुए यहाँ पे। और 5वां गेंद यहाँ पे क्लास अपना लेके आएगी और सामना करेंगे लता मंडल। लता मंडल रुक के खेली, 13 गेंद पे 6 रन बनाई है और ये बॉल भी डॉट होते हुए। और इस तरीक़ा से अगर देखें तो बांग्लादेश जो है इस ओवर में मेरे ख्याल से 102 रन से ज़्यादा बना नहीं पाएगी, यहाँ से 102 रन से ज़्यादा बना नहीं पाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो यहाँ पर, लाइक और सब्सक्राइब करो यहाँ पर दोस्तों। और आखिरी गेंद क्लास का, इस ओवर का आखिरी गेंद, और बहुत ही बेहतरीन ओवर गया ये वाला क्लास का। 1 रन दिया है यहाँ पे मंडल ने, वापस स्ट्राइक रखेगी। अगला ओवर जो है लता मंडल ही खेलेंगे। और यहाँ पे 2 ओवर हो चुका है, क्लास ने 5 रन दिए, 2 ओवर में 5 रन दिया और 1 विकेट निकाले यहाँ पे क्लास ने। तारीफ़ करना होगा क्लास, साउथ अफ्रीका बॉलर के भी तारीफ़ करनी बनती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत जल्दी 3 विकेट निकालने में कामयाब रही है यहाँ पर। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत जबर हुई है यहाँ पे, बहुत गजब हुई है। और सामने आपको बता दें अब सामना करिए लता मंडल यहाँ पे। और आपको बता दें 6 ओवर हो चुका है, बांग्लादेश यहाँ पे 19 पे 3 है 6 ओवर होने के बाद। अभी फ़िलहाल बांग्लादेश वुमेन्स का रन रेट 3.17 जा रहा है। और पार्टनरशिप का बात क्या करें, यहाँ पे पार्टनरशिप अभी तक बनने नहीं दिया। और सामने आ रही नई बॉलर डलमी टकल आ रही, जो कि 13 मैच खेल चुकी है और अभी तक 13 मैच में सिर्फ 2 विकेट निकालने में ये कामयाब रही है। और इनका बेस्ट है 1 विकेट निकाल के 14 रन, 14 रन दिए 1 विकेट निकाली डलमी टक्कर, जो कि सिर्फ 13 मैच खेली और 2 विकेट निकालने में ये कामयाब रही है अपना। और पहला बॉल डॉट हुआ है और सामने है लता मंडल, कुछ रन नहीं निकाल पा रहे बांग्लादेश। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पे है बांग्लादेश में। दूसरा गेंद में 1 रन निकालने में कामयाब और स्ट्राइक में है सुल्ताना। निगाह सुल्ताना यहाँ पे स्ट्राइक पे आ चुकी हैं। और निगाह सुल्ताना की बात करें, निगाह सुल्ताना की बात करें तो ये 86 मैच खेली हैं अभी तक टोटल और 1602 रन बना चुकी है। इनका बेस्ट 113 है। तो देखते हैं आज अगर ये क्या कमाल कर पाती है। और दूसरा बॉल, तीसरा बॉल यहाँ पे टक्कर का डॉट होते हुए निगाह सुल्ताना रोकते हुए रन नहीं निकाला है यहाँ पे। और अभी बता दें आपको 20 ओवर का मैच है ये और अभी तक 6 ओवर का गेम हो चुका है और 20 रन बना है 3 विकेट खो के बांग्लादेश। और चौथी बॉल जो है डॉट होते हुए निगाह सुल्ताना यहाँ पे डॉट करते हुए कोई रन नहीं निकल रहा है यहाँ पे। और टक्कर बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रही है यहाँ पे, बता दें आपको बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी है। अब 5वां गेंद लेके आ रही है टक्कर यहाँ पे। सामना है निगाह सुल्ताना का। स्ट्राइक रेट देखिए 33 का स्ट्राइक रेट। अभी फिलहाल कुछ रन बना नहीं है दोनों बैट्समैन के यहाँ से। आपको बता दें इनका 5वां गेंद आ रहा है टक्कर का और 3 रन निकालने में कामयाब हुआ लता मंडल को। तो स्ट्राइक मिला आखिरी बॉल यहाँ पे टक्कर का। आखिरी बॉल सामना करेंगे लता मंडल यहाँ पे। अगर इसी तरीके से बांग्लादेश खेलती तो कम से कम 110 रन के आसपास 110 रन बन सकता है। 20 ओवर खत्म होते तो 110 रन बन सकता है यहाँ से। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें यहाँ पे। और टक्कर का आखिरी गेंद 1 रन निकाली लता मंडल। स्ट्राइक दिया निगाह सुल्ताना को, लेकिन अगला ओवर जो होगा वो लता मंडल ही सामना करेंगे। और 17 बॉल पे 9 रन बना चुकी है लता मंडल। 1 चौके की मदद से 52 का स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग कर रही है यहाँ पे। और बांग्लादेश महिला पहुंची है 24 पे 3 7 ओवर। यहाँ पे आज देखेंगे तो मगर बांग्लादेश के नज़र से देखें तो कुछ अच्छा नहीं हुआ अभी तक। 7 ओवर से पहले ही 3 विकेट जल्दी गिर गया यहाँ पे। बहुत जल्दी यहाँ पे गिरा 3 विकेट। किसी का भी रन बनने नहीं दिया गया यहाँ पे। कोई रन ज़्यादा बनाए नहीं है बैट्समैन ने यहाँ पे। आपको स्कोर कार्ड की बात कर लें तो मुर्शिदा खातून ने 7 बॉल पर सिर्फ 2 रन बनाए हैं। तमीमा सुल्ताना ने 13 बॉल पर 8 रन बनाए हैं। सुबह मोस्तारी जो कि वो भी आउट हो गई और 0 रन, कोई रन नहीं बनाई। और यहाँ से चलती हुई लता मंडल की बात करें तो अभी खेल रही हैं 17 बॉल पे 9 रन बना के। और निगाह सुल्ताना की बात करें तो 4 बॉल पे 4 रन बना के अभी भी बैटिंग करते हुए। और मार्क्स आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इनका पहला ओवर होगा और ये पहला ओवर का पहला गेंद यहाँ पे चालू और 1 रन निकालने में कामयाब। और सामना करेगी निगाह सुल्ताना। 4 बॉल पे 4 रन बना के खड़ी हैं यहाँ पे अभी क्रीज में। अयांडा हुवी ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया है। 2 विकेट निकाला उन्होंने। बहुत जबर बॉलिंग किया, 2 विकेट निकालने में कामयाब रही अयांडा हुवी। आपको बता दें मुर्शिदा खातून का विकेट निकालने में हाईवी कामयाब रही। और सोबाना मोस्ती का विकेट हो अभी नहीं अयांडा हुवी ने निकाला था यहाँ पे। और 7 बॉल 2 गेंद हो चुका है यहाँ पे। दूसरा बॉल डॉट होते हुए कोई रन नहीं निकला सुल्ताना के बल्ले बैटिंग से। सुल्ताना के बैट से कोई रन निकला नहीं है। और यहाँ पे आपको बता दें 3.41 का करंट रन रेट। अगर इसी तरीक़ा से अगर बांग्लादेश वुमेन अगर रन बनाती है तो आपको बताएं 103 और 105 रन से ऊपर बनेगा नहीं यहाँ पे। आज निगाह सुल्ताना को बैटिंग अच्छा करना होगा, आज उनको रन बनाना होगा यहाँ पे। और तीसरा गेंद भी डॉट हो रहा है यहाँ पे। तीसरा गेंद भी डॉट होते हुए दोस्तों क्या लगता है दोस्तों कौन जीतेगा ये मैच, बांग्लादेश वुमेन या साउथ अफ्रीका वुमेन? मुझे तो लगता है कि अभी साउथ अफ्रीका वुमेन बहुत ही मजबूत कंडीशन में है यहाँ पे। और बांग्लादेश का स्थिति बहुत ही विकट है यहाँ पे। 10 ओवर का अगर गेम 10 ओवर ख़त्म होते होते यहाँ पे मेरे को लगता है 37 से 38 रन बना पाएगी बांग्लादेश या उससे भी कम बना पाएगी। क्योंकि देखिए लगातार 4 बॉल मार्क्स ने कर दिया, 1 ही रन निकला इस ओवर में। सिर्फ अभी तक 1 रन निकला है यहाँ पे, सिर्फ 1 रन। और आपको बता दें यहाँ पे सुल्ताना अभी तक स्ट्राइक में है। 3 बॉल खेल चुकी है मार्क्स का, अभी तक कोई रन नहीं लिया है। और इनका 5वां गेंद आते हुए मार्क्स का 1 ओवर पहला ओवर कर लिया और अभी तक इनका एक 4 बॉल पे सिर्फ 1 रन निकला। पांचवा गेंद लेके आते हुए यहाँ पे और पांचवा गेंद भी डॉट हो गया है। अभी बैटिंग करने के लिए आने वाली है। ध्यान दे तो 3 विकेट गिर गया है बहुत जल्दी बांग्लादेश वुमेन्स का यहाँ पे। और छठा गेंद मार्क्स से आते हुए और वो भी डॉट। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग हुआ है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। और आपको बताएं यहाँ पे इस ओवर में सिर्फ मात्र 1 रन निकला है, मात्र 1 रन निकला है यहाँ पे। और अगर साउथ अफ्रीका की कीमत से देखें तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है अभी साउथ अफ्रीका, लेकिन बांग्लादेश का स्थिति अगर देखें तो बहुत कमज़ोर स्थिति, बहुत ही विकट स्थिति है यहाँ पे। कुछ अच्छा नहीं हो रहा आज यहाँ पे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा बांग्लादेश महिला के साथ, बांग्लादेश वुमेन्स के साथ यहाँ पे। लेकिन नज़र घुमाए तो 17 बॉल पे 8 रन का पार्टनरशिप बन गया है निगार सुल्ताना और लता मंडल के बीच में। और सामने बॉलिंग करने आई है टक्कर, जो कि 1 ओवर करके पहले 5 रन दे चुकी है। पिछला ही ओवर जो इनका था 1 ओवर की इन्होंने 5 रन दिया है टोटल अपना, 1 ओवर में 5 रन दिया। और देखते हैं इस ओवर में टक्कर क्या कमाल कर पाती है। और पहला बॉल डॉट होते हुए और सामना करिए लता मंडल, कोई रन नहीं निकला इनके बल्ले से ही। और 52 का स्ट्राइक रेट, 19 बॉल पे 10 रन बना के लता मंडल खड़ी है यहाँ पे। और दूसरा गेंद आते हुए और वो भी डॉट, ये भी डॉट होते हुए। हमें लगता है 35 रन भी नहीं बनेगा 10 ओवर में। और तीसरा बॉल भी डॉट होते हुए टक्कर बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी है यहाँ पे। 3 बॉल डॉट हो चुका है। और आपको बताएं यहाँ पे चौथा गेंद लेके आ रही टक्कर और सामना करिए लता मंडल, यहाँ पे 21 बॉल पे 10 रन बनाकर और ये भी डॉट। क्या बात है, बहुत प्रेशर बना के रखी है टक्कर ने यहाँ पे। 4 गेंद हुआ, चारों गेंद डॉट हो चुका है, कोई रन नहीं निकला है यहाँ पे, कोई रन नहीं निकला 4 गेंद में। और पांचवा गेंद आते हुए यहाँ पे दोस्तों वो भी डॉट हो गया यहाँ पे। लगता है मैडम ओवर जाने वाला है। 23 बॉल पे 10 रन बना के घर ये लता मंडल। अभी विकेट खोने का जरूरत नहीं, अभी जैसे तैसे मतलब बांग्लादेश वुमेन्स को कम से कम यहाँ पे लड़ने योग्य रन बना लेना चाहिए, कम से कम 110 रन तो बनाना ही चाहिए जैसे भी। लेकिन विकट स्थिति में है, हमें नहीं लगता कि यहाँ से अब 95 या 96 रन भी बन पाएगा। और 1 रन लेके लता मंडल अपने पास स्ट्राइक रखेंगी, क्योंकि 9 ओवर हो चुका है 26 पे 3 बांग्लादेश में। और इस ओवर में टक्कर ने सिर्फ 1 रन दिया, मात्र 1 रन दिया। 2 ओवर में टोटल सिर्फ 6 रन दिया है यहाँ पे। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यहाँ पे। मार्क्स आई अपना, जो कि पिछला ओवर इनका बहुत ही बेहतरीन गया था, 1 ओवर सिर्फ मात्र 1 रन दी थी अपना मार्क्स ने इस पिछला ओवर में अपना। और दूसरा ओवर लेके आ रही है मार्क्स और सामना कर रही है लता मंडल यहाँ पे। और 9 ओवर का गेंद हो चुका है, 26 पे 3 है यहाँ पर। 6 गेंद में हमें लगता है कम से कम 30 या 31 रन बने, वो भी मुश्किल से बनेगा, क्योंकि पहला बॉल डॉट हो चुका है यहाँ पे, पहला बॉल डॉट हो चुका है। दूसरा बॉल डॉट, दूसरा बॉल भी डॉट होते हुए। बहुत ही विकट स्थिति में बांग्लादेश। अगर इसी तरीके से गई तो मुझे नहीं लगता कि 85-86 रन भी बन पाएगा 20 ओवर में। लड़ के खेलना होगा, थोड़ा तो रन निकालना होगा जैसे भी, लड़ने योग्य रन तो बनाना ही पड़ेगा बांग्लादेश वुमेन्स को यहाँ पे। और तीसरा गेंद लेके आते हुए लता मंडल सामना करेगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं 1 रन निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती, नहीं निकाल पा रही, उनके बल्ले से कोई रन निकल नहीं रहा है। ये भी डॉट गया, 3 होल हो चुकी है, 3 गेंद हो चुकी है और तीनों बॉल में डॉट हो चुका है। अगर कंपेयर किया जाए तो 18 और बॉल हो चुका है और उस बीच में सिर्फ मात्र 4 रन निकले हैं, मात्र 4 रन निकले हैं यहाँ पे 18 गेंदों में। कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा। देखिए पिछला ओवर में 1 रन निकला था, उसका पिछला ओवर में 1 रन निकला था। और आपको बताएं बांग्लादेश में जो है 4था गेंद खेल चुकी है, लेकिन 4था गेंद चलिए बांग्लादेश के लिए एक बॉल अच्छा आते हुए सिर्फ वाइड बॉल हुआ है। मार्क्स के बॉलिंग से देखें तो 4था जो गेंद गिरा वो वाइड गिरा है। और इस तरीके से हमें लगता है कि 10 ओवर में बांग्लादेश 31 या 32 रन बना पाएगी। 10 ओवर कंप्लीट होने के कगार में है, आधा मैच कंप्लीट हो गया फर्स्ट इनिंग का, लेकिन अगर स्कोर देखें तो 27 रन पे है। राजेश जाधव वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो। क्या लिख रहे हो राजेश जाधव, क्या लिख रहे हैं आप, थोड़ा सा देखिए। चलिए दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे राजेश जाधव आपने बहुत ही खराब कमेंट किया है। चलिए उसे पढ़ नहीं सकते हम, चलिए हटाइए। और यहाँ पे आपको बता दें 9 ओवर 4 बॉल का गेम हो चुका है यहाँ पे और 5वां गेंद हुआ वो भी डॉट हुआ है। हम कमेंट्री नहीं कर पा रहे, रन ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। जैसा कि मैं बताया था 10 ओवर होगा तो 30 या 31 रन बनेगा और लगभग उतने ही रन के आसपास बन रहा है। मैं 4 ओवर के आसपास मैंने बता दिया था यहाँ पे कि 10 ओवर के आसपास 30 या 31 रन ही बन पाएगा और लगभग उसी के नीचे है। और आखिरी गेंद लेके आ रही है मार्क्स यहाँ पे और वो भी टॉप। चलिए दोस्तों 10 ओवर 29 रन 3 विकेट बांग्लादेश। आज कमेंट्री करने भी नहीं बन रहा बांग्लादेश का बैटिंग देखते हुए हमें यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यहाँ पे। और 10 ओवर हो चुका है यहाँ पे, 29 रन बनी है सिर्फ टोटल में और 3 विकेट खो चुकी है। चलिए आपको बांग्लादेश ने आज किया क्या है शुरू से बता देते हैं आपको। पहले चलिए आपको बता दें साउथ अफ्रीका में जो कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन रहा और बहुत ही अटैकिंग मोड में है साउथ अफ्रीका भी यहाँ पर। और बांग्लादेश के बैट्समैन जो कि मुर्शिदा खातून पहले ओपनर बैट्समैन जो कि 7 बॉल पर सिर्फ 2 रन बना के आउट हो गई और समीना सुल्ताना जो कि 13 बॉल पर 8 रन बना के आउट हुई है यहाँ पे। और सुबहाना मुस्तारी यहाँ पे डॉट, कोई भी रन नहीं बना, 0 रन बना के आउट हो गई है। और लता मंडल यहाँ पे 30 बॉल पे 13 रन बनाई है। ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच खेला जा रहा है यहाँ पे, T20 है नहीं ये, ऐसा लग रहा है 30 बॉल पे 13 रन बनाई है, टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और आपको बता दें लता मंडल जो कि 30 बॉल पे 13 रन बनाई है सिर्फ एक चौके की मदद से। और निगार सुल्ताना की बात करें तो 9 बॉल खेल चुकी है और 4 रन बनाई है, लेकिन कोई चौका और कोई छक्का नहीं है, 4 रन बनाई है सिर्फ। और बॉलिंग की बात करें यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका वुमेंस बहुत ही गजब बॉलिंग करते हुए, मस्बाटा क्लास जो कि 2 ओवर किए कर चुकी है अभी तक यहाँ पे और 5 रन दिए हैं, 1 विकेट निकालने में कामयाब रही है यहाँ पे। आयंडा होबी की बात करें तो 2 ओवर कर चुकी है, 7 रन दिए और 2 विकेट निकाली है यहाँ पे आयंडा होबी। यहाँ पे तारीफ करनी हुई, 2 विकेट ओपनर बांग्लादेश के ओपनर का विकेट निकालने में आयंडा होगी जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करके 2 विकेट निकाल दी यहाँ पे। और मलावा जो कि 2 ओवर की 7 रन दे दिया, अभी तो कोई विकेट निकला नहीं है। अक्कर ने भी 2 ओवर किया है, 6 रन दिया है, मात्र 6 रन दिया 2 ओवर में और कोई विकेट नहीं। और मार्क्स की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि सिर्फ 2 ओवर किया और 4 रन दिया है यहाँ पे। बॉल ऑफ विकेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे बॉल ऑफ विकेट की बात करें तो 4 रन पे पहला विकेट गिरा मुर्शिदा खातून का और दूसरा विकेट गिरा शोबाना मुस्तारी का। शोबाना मुस्तारी का 2रा विकेट गिरा 4 रन पे ही और 3रा विकेट गिरा समीमा सुल्ताना का जो कि 17 रन पे 3रा विकेट गिर गया यहाँ पे। और बांग्लादेश बहुत ही विकट स्थिति में पहुँच चुकी है। और अगर नोटिस करें दोस्तों तो पार्टनरशिप आज कुछ बिल्डअप हुआ नहीं है। मुर्शिदा खातून और समीमा सुल्ताना का 11 बॉल पे सिर्फ 4 रन का पार्टनरशिप हुआ। समीमा सुल्ताना और शोबाना मुस्तारी का भी कोई पार्टनरशिप नहीं, 0। और यहाँ पे 3रा विकेट जो गिरा 20 बॉल पे 13 रन पे पार्टनरशिप बना समीमा सुल्ताना और लता मंडल का यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें यहाँ पे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। 10 ओवर का गेम हो चुका, फर्स्ट इनिंग का आधा मैच खत्म हो चुका है यहाँ पे और 29 रन पे 3 विकेट है बांग्लादेश वुमेन्स यहाँ पे। और करंट रन रेट की बात करें 2.90 2.90 का करंट रन रेट जा रहा है। और अगर इसी तरीक़े से बैटिंग करती है बांग्लादेश वुमेंस, अगर इसी रन रेट से भी बैटिंग करती है तो मेरे ख्याल से 82 या 83 रन बन पाएगा 20 ओवर कंप्लीट होते होते दोस्तों। और यहाँ पे मलावा वापस आ चुकी है अपना 30 ओवर करते हुए। और बता दें आपको 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दी थी मलावा यहाँ पे, और 30 ओवर का पहला गेंद पे 1 रन निकाल के निगार सुल्ताना ने स्ट्राइक दिया है लता मंडल को। और अब देखते हैं लता मंडल क्या कमाल करती है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक। और इनका दूसरा गेंद आएगा मलावा का, और दूसरा गेंद आते हुए सामना करिए लता मंडल। आपको बता दें 30 बॉल पे 13 रन बनाई है लता मंडल। ये ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच खेला जा रहा है यहाँ पे, T20 है नहीं, ये ऐसा लग रहा है T20 मैच नहीं हो रहा है। और दूसरा बॉल डॉट होते हुए, दूसरा बॉल भी डॉट होते हुए मलावा का तीसरा गेंद आते हुए, और तीसरा बॉल भी डॉट। 3 विकेट गिरा अभी, उससे कोई बात नहीं, लेकिन स्कोर बहुत कम होगा। इसी तरीके से खेलेंगे तो बांग्लादेश वुमेन्स तो जीत नहीं पाएगी दोस्तों, किसी भी हाल में नहीं जीत पाएगी, कोई चांस नहीं है यहाँ से। चौथा गेंद पे 1 रन निकालने में कामयाब और सामना करेगी निगार सुल्ताना यहाँ पे, और जो कि 10 बॉल पे 5 रन बना चुकी है वो। और अब सामना करेगी मलावा का यहाँ पे, निगार सुल्ताना जो कि अब सामना करेगी मलावा का यहाँ पे। और आपको बताएं 31 रन हो चुका है 3 विकेट होके। और यहाँ पे 1 रन अगर नोटिस किया जाए तो निगार सुल्ताना ठीक रोटेशन कर रही है, स्ट्राइक रोटेट कर रही है। लेकिन लता मंडल अगर ये एक बार स्ट्राइक पे आ रही तो कम से कम 3-4 बॉल खा के फिर 1 रन निकाल रही है। अगर देखें तो यहाँ पे लता मंडल कुछ अच्छा बैटिंग नहीं हो रहा है इनका बल्ले से। और आखिरी गेंद आते हुए यहाँ पे, और वो भी डॉट। दोस्तों इस ओवर में 3 रन गया है, टोटल 3 रन गया है यहाँ पर। पिछला ओवर में सिर्फ मात्र तीन रन गया था यहाँ पे। अगर बॉलिंग देखे साउथ अफ्रीका वुमेन्स की तो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग होते हुए यहाँ पे, दोस्तों साउथ अफ्रीका अगर नज़र से देखें तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अटैकिंग मोड पे बॉलिंग किया जा रहा है यहाँ पे। दोस्तों क्या लगता है 15 ओवर में? मेरे को तो लगता है यहाँ से सिर्फ 55 रन 15 ओवर मुश्किल, 15 ओवर में मुश्किल से 55 रन बन पाएगा यहाँ पे। अगर अटैकिंग नहीं किया, अगर बांग्लादेश वुमेन्स यहाँ पर अटैक मोड पे नहीं खेलेंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 55 रन से ऊपर नहीं जाएगा 15 ओवर में यहाँ पे। और 12 ओवर का पहला बॉल आते हुए हलूवी बॉलिंग करते हुए, इनका भी 30 ओवर है। लेकिन यही हलूवी है जो कि दोनों ओपनर को ख़त्म करके पैवेलियन की ओर भेज दिए थे हलूवी ने बांग्लादेश वुमेंस की। और यहाँ पे ये 2 ओवर कर चुकी है, 7 रन दी है और 2 विकेट निकालने में कामयाब रही है। और इनका पहला बॉल डॉट हुआ है और स्ट्राइक पे है निगार सुल्ताना यहाँ पे। 12 बॉल पे 6 रन खेल के खड़ी है, और दूसरा बॉल इनका सामना करने के लिए तैयार। और देखते हैं, बॉल हवा में है दोस्तों, और 1 रन निकालने में कामयाब रही यहाँ पे निगार सुल्ताना का बात करें स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रह रही है यहाँ पे, स्ट्राइक रोटेट करी। लेकिन लता मंडल जो कि बहुत ही स्लो खेल रही है, बहुत ज़्यादा स्लो खेल रही है। इनके अभी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बॉल खेल चुकी है, अब इनको कम से कम बाउंड्री तो लगाने की ज़रूरत है लता मंडल को यहाँ पे, नहीं तो दोस्तों गेम बहुत विकट, बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका ये मैच निकाल लेगी अपने हाथ में। और देखा जैसे कि मैंने कहा, तीसरा बॉल लता मंडल डॉट, उनके बल्ले से कोई रन नहीं निकल रहा है। चौथा गेंद आते हुए हलूवी का, आयांडा हलूवी जो कि 2 विकेट निकाली, मेन ओपनर के 2 विकेट निकालने में हलूवी कामयाब रही थी। और इनका चौथा गेंद आते हुए और सामने आकर लता मंडल, और ये भी डॉट। हम समझ चुके हैं लता मंडल 4 बॉल खेलेगी, उनके बाद 1 रन निकाल गई। और इस तरीके से देखेंगे तो पिछला ओवर भी 3 रन गया, उसका पिछला ओवर भी 3 रन गया था। और अभी तक यहाँ पे देखें तो 3 गेंद हो चुकी है और 2 रन निकल चुका है। 1 रन तो बल्ले से निकला और 1 रन वाइड दे दी है हलूवी ने यहाँ पे, आपको बताएं यहाँ पे। और 34 पे 3 कुछ अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे, 34 पे 3 विकेट 11 ओवर तीन बॉल पे, और इनका चौथा बॉल आते हुए अलवी का रोवी डॉट ट्रिक करने का मन नहीं कर रहा है, इतना बॉल डॉट कर चुकी। 36 बॉल पे 14 रन बनाए हैं। पांचवा गेंद भी डॉट होते हुए दोस्तों यहाँ पे लता मंडल का पांचवा गेंद सामना कर दिया और वो भी डॉट। और इस ओवर में सिर्फ मात्र 2 रन निकले हैं, मात्र 2 रन, 1 रन बल्ले से और 1 रन वाइड। और आखिरी गेंद आएगा अलुबी का, जो कि 2 विकेट निकाल चुकी है और अभी तक 3 ओवर कंप्लीट होने में 9 रन दे चुकी है। और यहाँ पे आखिरी गेंद और 1 रन, और इस ओवर में अलुबी का 3 रन जाते हुए और वापस स्ट्राइक पर रहेंगी लता मंडल। और 12 ओवर पे 35 पे 3 बांग्लादेश वुमेन। इकतालीस बॉल पे 18 रन का पार्टनरशिप हुआ है यहाँ पे, 41 बॉल पे 18 रन का पार्टनरशिप। हमें तो लगता है कि निगार सुल्ताना को स्ट्राइक पे रहना चाहिए, क्योंकि वो रोटेट कर रही है और उनके अब उन लोगों को कम से कम बाउंड्री मारने का चेष्टा करना चाहिए। बाउंड्री मारने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अरे यार लता मंडल का आउट कर दो यार, आउट कर दो यार। आउट करो इसको यार। 39 बॉल पे 15 रन बना के खड़ी आ रही है। और टक्कर का दूसरा गेंद पे 1 रन निकालने में कामयाब और सामना करेगी निगार सुल्ताना। दोस्तों आपको बताएं 6 ओवर में बांग्लादेश 19 पे 3 थी, 7 ओवर में 24 पे 3, 8 ओवर में 25 पे 3 और 9 ओवर में देखो सिर्फ 1 रन निकला 26 पे 3 और 10 ओवर में 29 पे 3, 11 ओवर में 32 रन 32 पे 3 और 12 ओवर में 35 पे 3। और यहाँ पे 1 रन निकाली थी लता मंडल ने, स्ट्राइक दिया था निगार सुल्ताना को। और तीसरा गेंद निगार सुल्ताना के बल्ले से कोई रन नहीं निकला है यहाँ पे। और चौथा गेंद आ रहा टक्कर का, अभी तक इनको कोई विकेट मिला नहीं है। और इनका चौथा गेंद आते हुए, और यहाँ पे बात करें तो 1 रन निकाल के निगार सुल्ताना ने स्ट्राइक दे दी है लता मंडल को। यहाँ पे लता मंडल को यहाँ पे 40 बॉल पे मात्र 16 रन बना के खड़ी है यहाँ पे। पांचवा गेंद टक्कर का आते हुए और 1 रन निकाले। चलो बहुत ही बढ़िया, लता मंडल ने आखिरकार बिना डॉट किए तुरंत स्ट्राइक को रोटेट करके निगार सुल्ताना को स्ट्राइक पे दिया है, जो कि 15 बॉल पे 8 रन पे खड़ी और 40 बॉल पे 21 रन का पार्टनरशिप होते होते। और करंट रन रेट उनका बहुत ही विकट है 2.96, मात्र मतलब मान के चलिए 1 ओवर में मात्र 3 रन निकल रही है, उससे ज़्यादा रन नहीं निकल रहा। और आखिरी गेंद टक्कर का आते हुए और निगार सुल्ताना स्ट्राइक रोटेट करके 1 रन निकाल के स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 13 ओवर 39 पे 3 बांग्लादेश वुमेन। आपको बताएं यहाँ पे साउथ अफ्रीका वुमेन जो कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और मौका दिया बांग्लादेश वुमेन को बैटिंग करने के लिए। और अगर देखें तो साउथ अफ्रीका वुमेन जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए और अटैकिंग मोड पे हैं अभी भी, और बहुत टाइट बॉलिंग करते हुए लेंथ टू लेंथ बॉलिंग कर रही है यहाँ पे, लेंथ टू लेंथ। यहाँ पे टक्कर बॉलिंग की पिछला जो 6 बॉल डाला है टक्कर ने वहाँ पर लेंथ टू लेंथ विकेट टू विकेट बॉलिंग करके या। और यहाँ पे देखें तो मात्र सिर्फ 4 रन दिया था और मार्क्स सामने आई है बॉलिंग करने के लिए यहाँ पे। मार्क्स का तीसरा और पहला गेंद हवा में है दोस्तों यहाँ पे ऑल इन और एक रन निकला है निगार सुल्ताना। और कैच छोड़ दिया गया है यहाँ पे, निगार सुल्ताना का कैच छुटा है, यहाँ पे ड्रॉप हुआ है कैच यहाँ पे। गेंद 13 ओवर पहला बॉल पे, 13 ओवर पहला गेंद पे यहाँ पे निगार सुल्ताना हवा में उठा के मारा है और कैच को छोड़ दिया है, कैच छुटा है यहाँ पे। और एक रन निकाल के स्ट्राइक पे है लता मंडल यहाँ पे। और दूसरा गेंद लेके आते हुए मार्क्स यहाँ पे और सामना करे लता मंडल। ये भी डॉट बॉल, डॉट नहीं वाइड गया है यहाँ पे। चलिए एक रन बहुत ही बढ़िया रहेगा बांग्लादेश वुमेन्स के लिए, एक रन भी मिलना यहाँ पे उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे सुल्ताना को दूसरा बार मौका मिला है यहाँ पे, निगार सुल्ताना को दूसरा बार मौका मिला, इनका 2 बार कैच छूट चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा गेंद लेके आते हुए मार्क्स और यहाँ पे एक रन निकाल के लता मंडल ने स्ट्राइक किया है सुल्ताना को। लास और मलाबा के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा और इसी कारण निगार सुल्ताना का कैच छूट गया वहाँ पे, कैच ड्रॉप हुआ। और यहाँ पे तीसरा गेंद लेके मार्क्स यहाँ पे सामना करे निगार सुल्ताना और ये भी डॉट बॉल होते हुए, और ये बॉल भी डॉट हुआ यहाँ पे। और 18 बॉल पे 10 रन। और यहाँ पे लता मंडल की बात करें तो 42 बॉल पे 18 रन बनाई है। यहाँ पे T20 में देखें तो 18 बॉल पे 42 रन बनता है, लेकिन यहाँ पे 42 बॉल पे 18 रन बना के 42.86 स्ट्राइक रेट से यहाँ पे लता मंडल अभी तक क्रीज पे टिकी हुई है। हमें तो लगता है इसे आउट होकर पवेलियन में जाना चाहिए और नए बैट्समैन को आगे यहाँ पे मौका देना चाहिए कि वो कुछ रन बनाए, यहाँ पे बाउंड्री लगे। और यहाँ पे चौथा गेंद जो आया वो वाइड हुआ है यहाँ पे। और अभी तक इस ओवर में मात्र 4 रन निकले हैं यहाँ पे, और पिछला ओवर में मात्र 4 रन निकले थे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कहा था कि 15 ओवर में हमें लगता है कि 52 रन से ऊपर रन नहीं बनना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी कहा था जब 10 ओवर हो चुका था। मैंने कहा था 52 या 55 रन के आसपास बनेगा बांग्लादेश वुमेन्स का, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हुए लग रहा है कि 15 ओवर में 52 रन से ऊपर रन बनेगा नहीं दोस्तों। और चौथा गेंद लेके आते हुए मार्क्स यहाँ पे, अभी तक इनको कोई विकेट मिला नहीं है। और एक रन निकाली निगार सुल्ताना और स्ट्राइक दिया लता मंडल को यहाँ पे। 42 बॉल पे 18 खड़ी हैं। चलिए विकेट गिरने नहीं दे रही, लेकिन विकेट फिर उस विकेट पे खड़ी होकर लता मंडल कोई रन बना भी नहीं रही है अभी तक। अगर इसी तरीका से रहा तो मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश वुमेन्स को, लेकिन हो सकता है बांग्लादेश वुमेन्स का बॉलिंग में कुछ कमाल कर दे यहाँ पे। और यहाँ पे 5वां गेंद लेके आते हैं मार्क्स यहाँ पे, और ये अपील किया है यहाँ पे, देखते हैं आउट देते हैं कि नहीं, आउट करार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तेरह ओवर 5 बॉल यहाँ पे ख़त्म हुआ दोस्तों, और 44 रन बनाए, मात्र 44 रन। चलिए दोस्तों कोई आउट नहीं यहाँ पे। और आखिरी गेंद लेके आते हुए मार्क्स यहाँ पे और एक रन निकाला और स्ट्राइक रखेंगे लता मंडल। और 14 ओवर 45/3 बांग्लादेश वुमेन। बॉल पे 28 रन का पार्टनरशिप हुआ है दोनों के बीच में। निगार सुल्ताना और लता मंडल के बीच में 53 बॉल पे 28 रन का पार्टनरशिप हुआ है। और आखिरकार देखें तो इस ओवर में अभी अगर देखें लगभग 4 ओवर के बाद पहली बार, पिछला ओवर जो गया वहाँ पे 6 रन निकालने में कामयाब रही बांग्लादेश वुमेन यहाँ पे। मार्क्स यहाँ पे 3 ओवर कर चुकी है और 10 रन दे चुकी है और कोई विकेट इनको अभी तक मिला नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे 15 ओवर लेके कौन बॉलर आती है यहाँ पे। और यहाँ लता मंडल हम तारीफ करेंगे लता मंडल की, तारीफ करना बनता है यहाँ पर लता मंडल जो कि 44 बॉल पे 19 रन पे खड़ी है। कोई अभी तक यहाँ पे इन्होंने 44 बॉल पे 19 रन बना के खड़ी है। बहुत बॉल खा चुकी है, बहुत बॉल खा चुकी है और अभी तक इनके बल्ले से सिर्फ एक चौका निकला, कोई रन निकल नहीं रहा इनका। एक तरफ से टिकी हुई है, विकेट को गिरने नहीं दे रही, लेकिन विकेट गिर तो नहीं रहा लेकिन विकेट पे रन भी नहीं बन रहा है। इस पिच पे अभी लता मंडल के बल्ले से कोई रन खासा बन नहीं रहा है यहाँ पे। टक्कर आई है अपना आखिरी ओवर लेके, टक्कर आई है अपना आखिरी ओवर लेके, जो कि 3 ओवर में 10 रन दे चुकी है ये। और इनका पहला बॉल आते हुए और सामना करेंगे लता मंडल और ये डॉट। चलिए, 1 रन निकालने में कामयाब और स्ट्राइक में है निगार सुल्ताना यहाँ पे। अब टक्कर का सामना करेंगे निगार सुल्ताना। इनका दूसरा गेंद, अब बॉल हवा में है दोस्तों और ये विकेट जाते हुए निगार सुल्ताना का। इनका विकेट जाना चाहिए, उनका विकेट नहीं जा रहा, लेकिन निगार सुल्ताना ने कोशिश किया उठा के हवा में मारने का, रन को आगे बढ़ाने का सोचा, लेकिन वो कैच आउट होके जा चुकी है यहाँ से निगार सुल्ताना पवेलियन की ओर जाते हुए यहाँ से। बहुत ही बेहतरीन टक्कर ने अपना खाता खोल लिया विकेट लेने में और इनका तीसरा ओवर 2 बॉल पे इनका विकेट आते हुए 11 रन दिया इन्होंने। टक्कर ने 11 रन दिया अभी तक 3 ओवर 2 बॉल करके और विकेट निकालने में आखिरकार कामयाब ही है। आयंडा हुबी ने कैच लिया है निगार सुल्ताना का यहाँ पे और टक्कर ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया और यहाँ पे प्रेशर में थी निगार सुल्ताना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी और आखिरकार उन्होंने हवा में उठा के मारा और विकेट दे बैठी आयंडा हुबी को यहाँ पे। और आपको बता दें 14 ओवर 2 बॉल पे चौथा विकेट गिरा और बांग्लादेश पहुंची आखिरकार 40 रन पे। धीरे धीरे मर के यहाँ पे लड़ के 40 रन पे पहुंची है और इस स्थिति से हमको लगता है कि शायद 80 रन बन पाएगा 20 ओवर में कंप्लीट होते होते। 80 भी मुश्किल है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रन बनता है 20 ओवर खत्म होने पर। और इनका तीसरा गेंद आते हुए 3 रन निकाला है यहाँ पे और सामने आई है अख्तर आई है यहाँ पे। 1 बॉल पे 3 रन निकाल के लता मंडल को स्ट्राइक दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें चौथा गेंद लेके आएंगे टक्कर यहाँ पे और 2 रन दिया अपने चौथे बॉल पे 2 रन दिया और लता मंडल वापस स्ट्राइक में। और सोर्ना अख्तर आई है यहाँ पे बैटिंग करने। 14 मैच खेली है यहाँ पे, 142 रन बनाई है और 31 रन इनका बेस्ट है। और स्ट्राइक रेट देखे तो 73 का स्ट्राइक रेट से सोर्ना अख्तर खेलती है यहाँ पे। 16 साल की उम्र है इनका, सिर्फ मात्र 16 साल का उम्र है इनका। और यहाँ पे 5वां गेंद टक्कर का और सामना का ये लता मंडल 46 बॉल पे 22 रन बना खड़ी है। और यहाँ पे ये डॉट होगा जो हमें लगता है लता मंडल और 1 रन निकाली है यहाँ पे और स्ट्राइक दिया है सोर्ना अख्तर को। आखिरी गेंद टक्कर का बचा और इस ओवर 7 रन निकल चुका है बांग्लादेश की तरफ से देखे, लेकिन विकेट भी इस ओवर में गया है निगार सुल्ताना का। और 15 ओवर 53 पे 4 बांग्लादेश वुमेन। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते दोस्तों यहाँ पे। मात्र 30 गेंद का फर्स्ट इनिंग का गेम बचा है, 15 ओवर हो चुका है, मात्र 5 ओवर का गेम बचा और हमको नहीं लगता है यहाँ पे ये 80 रन से ऊपर बनेगा, 85 रन से ऊपर नहीं बन पाएगा जो हमें फील आ रहा है यहाँ पे। आज जो भी बेहतरीन हुआ है साउथ अफ्रीका के खेमे से बहुत ज़्यादा बेहतरीन हुआ है। 4 रन पे 3 विकेट नहीं गिर चुका था यहाँ पे, और आखिरकार बांग्लादेश वुमेन लड़ते पड़ते मरते करते 15 ओवर पर 53 रन बनाने में कामयाब रही है। 4 विकेट खो के अब क्लास आई है। अपना पहला गेंद तीसरा ओवर लेके 5 रन दिया है। 2 ओवर में 1 रन निकाल 1 विकेट निकालने में कामयाब रही थी क्लास। यहाँ पे 2 ओवर थी, 2 ओवर किया और 5 रन, मात्र 5 रन दिया है यहाँ पे क्लास ने। और अब ये अपना तीसरा ओवर लेके आएंगी, मतलब 16 ओवर चलेगा। और अभी भी देखे तो 53 रन बना है बांग्लादेश के खेमे से, कोई बड़ा स्कोर है नहीं यहाँ पे। पहला गेंद सामना करेंगे सोलना अख्तर। यहाँ पे सोलना अख्तर पहला गेंद क्लास का सामना करेंगे और देखते हैं क्या रन बनाती हैं। यहाँ पे बाउंड्री देखते हैं, बाउंड्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और 2 रन निकाल के स्ट्राइक अपने पास वापस रखी है सोलना अख्तर यहाँ पे। और आपको बता दे लगभग 8 ओवर से अभी तक कोई बाउंड्री आया नहीं है यहाँ पे, कोई बाउंड्री नहीं आया यहाँ पे 8 ओवर से। और यहाँ पे पहला गेंद जो कि क्लास को 2 रन निकालने में सोना अख्तर कामयाब रही है। और दूसरा गेंद सामना करेंगी सोना अख्तर यहाँ पे। और क्या बात है, अभी बात कर रहे थे 8 ओवर से कोई बाउंड्री नहीं आता, और आखिरकार सोना अख्तर बल्ले से एक चौका, बाउंड्री आते हुए एक चौका अभी आते हुए सोना अख्तर बल्ले से। और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है, स्ट्रेट में मारा है 4 रन। और बाउंड्री मिलता हुआ बांग्लादेश वुमेन्स को, बाउंड्री मिलता हुआ यहाँ से बहुत देर बाद मिलता हुआ 40 बॉल के आसपास, 40 बॉल के बाद यहाँ पे पहला बाउंड्री आते हुए यहाँ पे दोस्तों। और तीसरा बॉल वाइड गया है, एक चौका से क्लास थोड़ा नर्वस होते हुए, और इन्होंने अपना बॉल को वाइड फेंक दिया। और अब तीसरा बॉल सोना अख्तर को ही सामना करना चाहिए कि 4 बॉल पे 10 रन बना के खड़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान दे तो 47 गेंदों पे 23 रन बना के लता मंडल खड़ी है दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे फाइनली अ बाउंड्री फ्रॉम बांग्लादेश, सोना अख्तर गेट्स है फर्स्ट बाउंड्री दोस्तों। और यहाँ पे 1 रन निकाल के लता मंडल हैं स्ट्राइक पे। और अगर देखेंगे तो उनका चौथा गेंद, क्लास का चौथा गेंद आने वाला है। और अभी तक क्लास ने इस अपने 2 ओवर में 1 विकेट निकालने में कामयाब रही है। और इनका अब ये तीसरा ओवर कंप्लीट होगा, और जो कि चौथा बॉल सामना करिए लता मंडल यहाँ पे। और 1 रन निकाल के स्ट्राइक रखा है सोना अख्तर को। अब अगर देखें तो लता मंडल थोड़ा धीरे 1 रन का स्ट्राइक रोटेट कर रही है यहाँ पे। नहीं तो कि जब निगार सुल्ताना खड़ी थी वहाँ पे तो 4-4 बॉल खेलने के बाद भी कोई स्ट्राइक रोटेट नहीं करी थी लता मंडल यहाँ पे। और अभी यहाँ पे 1 रन निकाल के सोना अख्तर को स्ट्राइक में रखा है। 5 बॉल पे 11 रन बना के खड़ी है। और 5वां गेंद आएगा क्लास का यहाँ पे। और अगर बात करें तो 8 बॉल पे 16 रन का पार्टनरशिप बन चुका है यहाँ पे। और 5वां गेंद आते हुए और देखते हैं सोना अख्तर क्या कमाल करती है। सोना अख्तर से उम्मीद है, चलिए 1 रन उनके बल्ले से निकला और स्ट्राइक पे हैं लता मंडल। और क्लास का आखिरी गेंद आएगा, 3 ओवर उनका ख़त्म हो जाएगा। और 15 रन दिए, 15 रन दिए क्लास ने यहाँ पे 1 विकेट लेके। और आखिर का 16 ओवर कंप्लीट होगा और लगभग शायद 63 या 64 रन बनेगा यहाँ पे। 16 ओवर कम्प्लीट होता तो बांग्लादेश का यहाँ पे। ये देखते हैं लास्ट गेंद बचा है क्लास का यहाँ पे। और बॉल सामने करेंगी लता मंडल, स्ट्राइक पे हैं, सामना करेंगे लता मंडल। 1 रन निकाल के स्ट्राइक अपने पास रखेंगे लता मंडल। 16 ओवर 64 पे 4 बांग्लादेश में। आज टॉस जीता साउथ अफ्रीका वुमेन्स ने और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और अगर ध्यान दिया जाए और नोटिस किया जाए तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग हुआ है यहाँ पे साउथ अफ्रीका वुमेन्स के खेमे से देखा जाए, क्योंकि 2 विकेट निकालने में आयांडा वो भी कामयाब रही। 2 विकेट जो निकाली है आयंडा हुई ना ओपनर का निकाला और वहाँ पे बांग्लादेश वुमेंस को थोड़ा कमज़ोर कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद डेलमी टक्कर एक विकेट निकाल चुकी है और क्लास भी एक विकेट निकाल चुकी है। टोटल 4 विकेट गिरा है और 16 ओवर पे 64 रन बना के बांग्लादेश वुमेन यहाँ पे। आपको बताएं दोस्तों, मलावा आई हैं, अपना चौथा ओवर कंप्लीट करेंगे और इनको अभी तक कोई विकेट मिला नहीं है। मलावा को अभी तक कोई विकेट मिला नहीं है, देखते हैं इस ओवर में विकेट मिलता है कि नहीं। पहला गेंद लता मंडल और स्ट्राइक रोटेट करके 1 रन निकाल के स्वर्णा अख्तर को स्ट्राइक दिया है और आखिरकार 50 बॉल पे 26 रन बना के खड़ी है लता मंडल और स्वर्णा अख्तर, जो कि 6 बॉल पे 12 रन पे है। और सामना करेंगे अभी मलावा का स्वर्णा अख्तर। और अगर इस स्थिति से भी बैटिंग कर ले तो हो सकता है कि इस ओवर पे 100 रन के आसपास रन बन जाए। और पहला गेंद और दूसरा गेंद मलावा का स्ट्राइक किया है लता मंडल को, 1 रन निकाली है शोएब अख्तर ने अपने बल्ले से। और अब सामना करेंगे लता मंडल अपना मलावा का तीसरा गेंद। और यहाँ से अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 100 रन के आसपास बनना चाहिए, तो विकेट नहीं गिरा तो। और तीसरा गेंद में 1 रन निकालने में कामयाब लता मंडल। आखिरकार ये स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब हो रही है यहाँ पे, धीरे धीरे 1-1 रन निकाल कर लता मंडल स्ट्राइक रोटेट कर रही है और स्वर्णा अख्तर सामना कर रही है। और सामने उनका चौथा बॉल गेंद आते हुए उन्होंने भी 1 रन निकाल के लता मंडल को स्ट्राइक दिया है। चलिए आखिरकार 2 बैट्समैन 1-1 रन निकाल के रोटेशन कर रही है और धीरे धीरे बांग्लादेश का रन को बढ़ाते हुए यहाँ पे। और मलावा को अभी तक कोई विकेट मिला नहीं है, इनका ये आखिरी ओवर है और 2 गेंद बचा आखिरी ओवर इनका इस इनिंग का इनका, क्योंकि 4 ओवर करना है हर बॉलर को और इनका 3 ओवर ख़त्म हो चुका है और ये चौथा ओवर ये कह रहे हैं। आखिर का 2 गेंद बचा है, देखते हैं मलावा ये 2 गेंदों में विकेट निकालने में कामयाब होती है कि नहीं होती है। 5वां गेंद लेके आ रही हैं ये और लता मंडल सामना कही थी, लेकिन वाइड बॉल और अतिरिक्त गेंद करना पड़ेगा यहाँ पर मलावा को, और अतिरिक्त गेंद यहाँ पर करना पड़ेगा मलावा को यहाँ पर। बॉल हवा में था दोस्तों और 1 रन निकाला है और स्वर्णा अख्तर को स्ट्राइक में दिया है। और आखिरी गेंद मलावा का, सामना करेंगे स्वर्णा अख्तर और देखेंगे धीरे धीरे रन, जो कि हमें लग रहा था 20 ओवर में 85 रन बनेगा, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे 90-95 रन के आसपास रन बनेगा, क्योंकि 10 और 3 ओवर का गेम बचा है। 100 रन के ऊपर अगर रन बना ले बांग्लादेश तो शायद थोड़ा सा मौका मिल सकता है, अपने बॉलिंग से कुछ कारनामा दिखा दे और हो सकता है मैच उनके हाथ में आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो मुश्किल लग रहा है। और आपको बता दें 17 ओवर 71 पे 4 बांग्लादेश वुमेन। इस ओवर में देखा जाए तो 8 रन निकला है और पिछला ओवर में देखा जाए 11 रन निकला है, टोटल 11 रन निकला है। और इस ओवर में मलावा के ओवर में 8 रन निकला है। और आपको बताएं कि अभी फ़िलहाल तो 3 ओवर से बांग्लादेश का तो अच्छा स्कोर गया, प्रति ओवर 8-8 रन के आसपास गया है और यहाँ पे 2 रन निकला है। यहाँ पे आयंडा वो भी वापस आई है अपना आखिरी ओवर करने के लिए और ये 2 विकेट निकाली है यहाँ पे। मेन 2 विकेट निकालने में इन्हीं का हाथ है और इनका पहला गेंद पे 2 रन निकाल के लता मंडल आखिरकार पहुँच चुकी है 54 बॉल पे 32 रन पे। 54 बॉल पे 32 रन बना चुकी है लता मंडल, जो कि 59.26 के स्ट्राइक रेट से। और यहाँ पे देखें तो 54 गेंद खेल के लता मंडल अभी तक सिर्फ 1 चौका लगाई है, सिर्फ 1 बाउंड्री लगाई है यहाँ पे लता मंडल। लूबी का दूसरा बॉल आते हुए तो यहाँ पे 17 ओवर का गेम हो चुका है और अब सिर्फ मात्र 3 ओवर बचा है यहाँ पे। और अब देखते हैं क्या कमाल करती है यहाँ पे लास्ट 3 ओवर में। और यहाँ पे 1 रन हलूबी का इस गेंद पे और स्ट्राइक पे है स्वर्णा अख्तर। हमें तो लगता है स्वर्णा अख्तर को स्ट्राइक लेते रहना चाहिए। और अब यहाँ पे समय आ गया कि अब थोड़ा उठा के बाउंड्री मारा जाए कि 100 का प्लस रन बन जाए। और यहाँ पे तीसरा गेंद का सामना करेंगे स्वर्णा अख्तर। 18 गेंद में 29 रन का पार्टनरशिप हो चुका है यहाँ पे। और आपको बताएं स्वर्णा अख्तर का अगर देखें तो 175 का स्ट्राइक रेट से बना रही है रन। और आखिर का 1 रन निकाल के वापस स्ट्राइक को रोटेट किया और स्ट्राइक पर रहेंगे लता मंडल। यहाँ पे हलूबी का तीसरा गेंद पे 1 रन निकालने में कामयाब रही। और अभी तक इस ओवर में 4 रन निकल गया। 3 गेंद में 4 रन निकल चुका है यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। और यहाँ पे चौथा गेंद भी 1 रन निकाला लता मंडल ने। स्ट्राइक दिया है स्वर्णा अख्तर को। और बहुत देर हो गया है, लास्ट 2 ओवर से पहले चौका पड़ा था, बाउंड्री आया था, लेकिन अभी 2 ओवर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अभी तक कोई बाउंड्री आया नहीं है। और इस ओवर में 5 रन निकला है अभी तक। और मौसम हैदर, वेलकम टू स्ट्रीम प्रो, स्वागत है आपका। और प्लीज़ दोस्तों ये सब ना लिखें, प्लीज़ ना लिखें ये सब। हम भी कमेंट्री कह रहे हैं दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा बांग्लादेश का बैटिंग करते हुए देखते हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का भाषा का उपयोग ना करें मौसम हैदर। और आखिरी गेंद है यूवी का। स्वर्णा अख्तर ने डॉट किया है, सॉरी दोस्तों। और ये आखिरी गेंद भी स्वर्णा अख्तर ने डॉट किया है। और इस ओवर में 5 रन निकला है। और बांग्लादेश पहुँची 18 ओवर पे 77 पे 4। 77 पे 4 बांग्लादेश में 18 ओवर। और 12 गेंद का गेम बचा है दोस्तों, 12 गेंदों का गेम बचा है। और यहाँ से अगर 23 रन भी बने तो तब जाके 100 रन होगा दोस्तों। नहीं तो यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि 95 रन से ज़्यादा रन नहीं बनेगा यहाँ पे। मार्क्स आई हैं अपना आखिरी ओवर करने के लिए। इनका भी 3 ओवर हो चुका है, 10 रन मात्र दिए हैं इन्होंने। 18 गेंदों में 10 रन दिया है, लेकिन कोई विकेट इनको मिला नहीं है। और ये 3 ओवर कर चुकी है और अपना आखिरी ओवर लेके आ रही है। और सामना करेंगे लता मंडल यहाँ पे। और अगर बात करें तो लता मंडल ने कुछ खासा कमाल किया नहीं। 56 गेंद खेल चुकी है और मात्र 34 रन पे हैं। और ये अभी 1 रन निकाल के वापस स्ट्राइक दिया है स्वर्णा अख्तर को। अब समय आ गया कि लता मंडल को अब उठा के रिस्क लेके थोड़ा खेलना चाहिए, क्योंकि बाउंड्री जाएगा तो रन आगे बढ़ेगा दोस्तों। और ये इन्होंने 57 गेंद मतलब मोटा मोटी देखें 10 ओवर इन्होंने खुद अकेले खेला है। 10 ओवर अकेले खेल चुका। अब इनको तो बॉल भी बड़ा नज़र आता होगा। अब इनको रिस्क लेना चाहिए, अब अभी अटैम्प्ट लेना चाहिए, अब उठा के मारना चाहिए बाउंड्री की और बॉल को ढकेलना चाहिए। तब जाके बांग्लादेश में इसका कुछ रन आगे बढ़ सकता है यहाँ पे। और इनका दूसरा गेंद मार्क्स से आते हुए स्वर्णा अख्तर सामना करेंगी। 11 बॉल पे 15 रन बना चुकी है यहाँ पे। डॉट बॉल कुछ अच्छा नहीं हो रहा आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें यहाँ पे। तीसरा गेंद पे 2 रन निकालने में कामयाब स्वर्णा अख्तर यहाँ पे। स्वर्णा अख्तर तीसरा गेंद में मार्क्स का तीसरा गेंद पे 2 रन निकालने में कामयाब। और यहाँ पे हम अगर तारीफ तो बनती नहीं है लेकिन लता मंडल की बात करें, बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया है यहाँ पे। लगभग 60 गेंद ये खेल चुकी हैं और अभी तक इनके बल्ले से कुछ खासा का रन बना नहीं है। अब यहाँ पे विकेट रोक के भी क्या करेंगे। और देखिए सरना अख्तर जो कि अभी आई थी, 14 गेंद खेली और 21 रन बना चुकी। इनके बल्ले से एक चौका आता हुआ, इनके बल्ले से बाउंड्री आता हुआ, सरना अख्तर के बल्ले से बाउंड्री आता हुआ और आखिरकार 84 रन तक पहुँच चुकी है बांग्लादेशों में। और हम बात करें तो लता मंडल की, जो कि 57 गेंद खेल चुकी हैं, लगभग आधा इनिंग का गेम इन्होंने खेला और अभी तक इनके बल्ले से एक चौका आया, मात्र एक चौका आया है। और ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच खेल रही है, T20 का मुकाबला है और ये टेस्ट मैच खेल रही है, ऐसा फील आ रहा है। क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि अभी तक ये बहुत ज़्यादा गेंद खेल चुकी है, अब इनके बल्ले से रन बनना चाहिए क्योंकि अब मुश्किल से मुश्किल 8 गेंद बचा है फर्स्ट इनिंग का और अभी तक ये कुछ बाउंड्री लगा नहीं रही है। और देखिए सरना अब तो स्ट्राइक रोटेट किया है 1 रन निकाल के और सामने आई है लता मंडल। अब तो हम कहते हैं कि आखिरी गेंद में या तो ये उठा के मारे या तो ये पवेलियन की ओर चल जाए दोस्तों, क्योंकि ये कुछ कमाल नहीं करे अपना बल्ले से। और अभी तक मार्क्स का इस ओवर में 5 गेंद डाल के 8 रन अभी तक मिला है बांग्लादेश को। और आखिरी गेंद आते हुए और सामना लता मंडल और ये 2 रन, चलिए 2 रन निकालने में कामयाब और बांग्लादेश में पहुंच चुके 87/4 19 ओवर और आखिरी ओवर का गेम बचा है यहाँ पे। और अब देखते हैं इस 6 गेंद में बांग्लादेश में 100 रन बना पाएगी नहीं बना पाएगी। हमें तो लगता है कि 95 रन से ऊपर बनेगा नहीं यहाँ पे। आखिरी 6 गेंद का गेम बचा है और बांग्लादेश 87/4 हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे क्या ही बात करें, आज कुछ अच्छा हुआ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। चलो और क्लास आई है अपना आखिरी ओवर लेके, जो कि 3 ओवर 16 रन दिया, 1 विकेट निकाला। और पहला गेंद इन्होंने सरना अख्तर जो कि स्ट्राइक पे थी 1 रन निकाल के लता मंडल को दिया है। और आखिरी 5 गेंद बचा है फर्स्ट इनिंग का, आखिरी 5 गेंद बचा है फर्स्ट इनिंग का दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो 29 बॉल पे 42 रन का पार्टनरशिप हो चुका है। और दूसरा गेंद आते हुए आप दोस्तों बॉल हवा में है और बहुत देर बाद लता मंडल का बल्ले से बाउंड्री आते हुए, बहुत देर बाद आखिरकार 4 रन लता मंडल के बल्ले से आते हुए, बहुत ही कीमती चौका। हमें उम्मीद नहीं था कि इस इनिंग में ये लता मंडल और कोई चौका मार पाएगी। चलिए दोस्तों आखिरकार ये अपना दूसरा चौका लगाते हुए फाइनली लता मंडल को बाउंड्री मिला। और क्या आप बोलें, बहुत ही देर बाद आखिरकार लता मंडल का बल्ले से दूसरा चौका आते हुए और इस चौके से बांग्लादेश 92/4 हो गई, 92 रन तक पहुंच चुकी है। और अब यहाँ से लगता है कि शायद यहाँ से लगता है कि 100 रन के करीब हो जाए। और तीसरा गेंद क्लास का आते और ये विकेट होते हुए लता मंडल का 60 बॉल पे 41 रन बना के ये यहाँ से जाते हुए रनआउट हो गई है। यहाँ पे रनआउट होते हुए लता मंडल यहाँ पे ओवर 3 बॉल पे सरना अख्तर रनआउट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे 16 गेंद पे 23 रन बना के बहुत ही बढ़िया इनिंग खेला इन्होंने, 2 चौके की मदद से 16 रन पे 23 रन बना के सरना अख्तर रनआउट हुई है। और क्लास ने ही इनको रनआउट किया है। और 3 ओवर 3 बॉल हो गया है, 21 रन दिया है क्लास ने। और आखिरकार बांग्लादेश के पास अब मात्र 3 गेंद बचा है अब देखते हैं इस 3 गेंद में मात्र 3 गेंद बचा। अब देखते हैं कि बांग्लादेश वुमेन्स कितना रन बना पाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे सरना अख्तर का इनिंग का हुआ खात्मा दोस्तों। 16 बॉल पे 23 रन बना के बहुत बढ़िया खेली थी। 143 का स्ट्राइक रेट से ये रन बना रही थी ये। और देखिए 2 चौके की मदद से, और यहाँ पे नोटिस करें तो लता मंडल जो कि 61 बॉल पे 42 रन बना चुकी है। और यहाँ पे मात्र अब 2 गेंद बची है। यहाँ पे लास्ट का सामना करेंगे खातून शरीफा खातून, जो कि सिर्फ शरीफा खातून 23 साल उनका उम्र है और 3 मैच खेली 18 रन बनाई है और इनका बेस्ट 18 ही रन है। अब 5वां गेंद का सामना करेंगी शरीफा खातून। पहला गेंद और ये 1 रन निकालने में कामयाब और स्ट्राइक में पहुंच चुकी है लता मंडल। और आखिरी गेंद, फर्स्ट इनिंग का आखिरी गेंद, और देखते हैं बाउंड्री लगता है कि नहीं लगता है। 61 बॉल खेल चुकी है, 61 बॉल। आखिरी गेंद और इस ओवर में देखिए तो अभी तक 7 रन निकल चुका है और इसके पिछले ओवर में 10 रन निकला था। और अभी फर्स्ट इनिंग का आखिरी गेंद बचा हुआ है, जो कि देखते हैं लता मंडल क्या प्रकृति दिखाती है यहाँ पे, क्या इनका प्रक्रिया रहता है। और ये विकेट, और इन होल्ड हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों 20 ओवर खत्म हुआ और यहाँ पे 94 पे 6 बांग्लादेश वुमेन। दोस्तों 20 ओवर का खात्मा हुआ खत्म, फर्स्ट इनिंग का हुआ खात्मा। और यहाँ पे बांग्लादेश साखी का 94 पे 6 विकेट। हमने कहा था कि 20 ओवर पे बांग्लादेश 95 रन से ऊपर बना नहीं पाएगी। जिस तरीक़े से आज खेली है, आज अगर मैंने जिस तरीके से नोटिस किया, जिससे जैसे बताया उस तरीके से वैसे ही हुआ है। 20 ओवर ख़त्म होते होते 95 रन से ऊपर नहीं बना पाई बांग्लादेश में यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आपको स्कोर कार्ड पे नज़र डालें। आज देखें तो फर्स्ट इनिंग ख़त्म होने के बाद अब स्थिति को बयान करते हैं हम यहाँ पे कि आज साउथ अफ्रीका वुमेंस ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी किया और बांग्लादेश को मौका दिया बैटिंग करने का। और यहाँ पे मुर्शिदा खातून आई, जो कि 7 बॉल पे 2 रन बनाए। यहाँ पे मात्र 7 बॉल पे 2 रन बनाए। बहुत ज़्यादा बॉल खेला इन्होंने, पता नहीं क्यों। आज अगर देखें तो दोनों ओपनर ने कुछ खासा कमाल किया नहीं, क्योंकि मुर्शिदा खातून की बात करें 7 बॉल खेलने के बाद, मतलब 6 बॉल खेल के 2 रन बनाए मात्र। अब फिर 7वां गेंद पे ये आउट हो गई। तो इस तरीक़ा से आज ये खेले इन्होंने। शुरुआत से ही स्लो खेला गया है, यहाँ पे ध्यान दे समीमा सुल्ताना, क्योंकि 13 बॉल खेल के 8 रन बनाई है। मात्र 13 बॉल पे 8 रन बनाए और वो भी आउट होते हुए। कैच लिया गुडेल ने और क्लास की बॉलिंग पे इन्होंने उठा के मारा और गुडेल ने कैच ले लिया। यहाँ पे सुबाना मुस्तरी की बात करें तो कोई रन नहीं बनाई, आई और चलते बने। यहाँ पे हलूबी ने इन्हें आउट किया और हलूबी जो कि मेन बॉलर इनका, 2 विकेट निकालने में कामयाब रही। और लता मंडल दोस्तों, जितना तारीफ किया जाए लता मंडल का कम है। कम इसलिए है कि इन्होंने 62 बॉल खेला और इनका 62 गेंद में सिर्फ मात्र 2 चौका, 2 बाउंड्री आया, वो भी चौका आया है। और कुछ खासा कमाल नहीं किया लता मंडल बहुत ज़्यादा बॉल खेल के आखिरकार 42 रन बनाए यहाँ पर। और निगार सुल्ताना जो कि 20 बॉल पर 11 रन बना के आउट हो गई। और स्वर्णा अख्तर यहाँ पर 16 गेंद पर 23 रन बनाई है, 143 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने में कामयाब यहाँ पे। और शरीफा खातून जो कि 1 बॉल पे 1 रन बनाई। और यहाँ पे एक्स्ट्रा देखे साउथ अफ्रीका मैंने सिर्फ मात्र 7 रन दिया है और 7 वाइड दिया है यहाँ पे, 7 वाइड दिया है यहाँ पे। चलिए दोस्तों अब आपको बता दें मसाबाटा क्लास यहाँ पे 4 ओवर किया 23 रन देके 2 विकेट निकालने में कामयाब। आयांडा हलूबी आई जो कि 4 ओवर की 15 रन देके 2 विकेट निकालने में ये भी कामयाब रही। मलावा को कोई विकेट मिला नहीं, क्योंकि 4 ओवर कर लिया इन्होंने, 18 रन दिया लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। टक्कर की बात करें तो 1 विकेट निकालने में ये कामयाब रही थी। 4 ओवर इन्होंने पूरा किया, 18 रन दिया और 1 विकेट निकालने में ये कामयाब रही। और एलिस मारी मार्क्स जो कि 4 ओवर किया और 20 रन देके कोई विकेट नहीं मिला इनको। बॉल ऑफ विकेट की बात करें दोस्तों तो मुर्शिदा खातून 4 बॉल पे 4 रन पे पहला विकेट गिरा, कवाना मोस्ताई का 4 रन पे दूसरा विकेट गिरा और तीसरा विकेट 17 पे गिरा समीमा सुल्ताना का। चौथा विकेट गिरा निगार सुल्ताना का जो कि 46 रन पे गिरा। पांचवा विकेट गिरा स्वर्णा अख्तर का 92 बॉल पे। यहाँ पे स्वर्णा अख्तर ने आज अच्छा पारी खेला और उनका पांचवा विकेट गिरा। अगर स्वर्णा अख्तर शायद और तो 4 बॉल खेल लेती तो शायद बांग्लादेश का रन 100 के पार हो जाता, लेकिन यहाँ पे 94 पे 6 पे 20 ओवर। और यहाँ पे बात करें लता मंडल जो कि उनका विकेट गिरा 94 पे 6 और यहाँ पे पारी ख़त्म हुआ। 20 ओवर पूरा ख़त्म हुआ और बांग्लादेश वुमेन पहुँची 94 रन बनाई और 6 विकेट खोके। दोस्तों तो कुछ हाल ये था यहाँ पे बांग्लादेश वुमेन्स का। और बांग्लादेश वुमेन्स का शुरुआत से ही देखे तो ओपनर ही स्लो खेल रही थी। यहाँ पे कुछ फास्ट नहीं खेला गया और उस वजह से रन कुछ खासा बना नहीं है। विकेट धीरे धीरे गिरते गया और आगे का बांग्लादेश में प्रेशर बन गया उनके ऊपर। और प्रेशर देखिए इतना बना कि लता मंडल भी जो कि 66 बॉल पर 42 रन बनाई है, 62 गेंद खेली, लेकिन इनके पल्ले से मात्र सिर्फ 2 बाउंड्री निकला जो कि बहुत देर से खड़ी थी। यहाँ पे ये अगर ध्यान दे तो लता मंडल अगर बैटिंग करने आई थी यहाँ पे तो छठा ओवर से आई थी। यहाँ पे छठा ओवर से आते हुए 20 ओवर तक पूरा खेला इन्होंने और देखिए यहाँ पे इतना टाइम गुजारने के बाद भी सिर्फ 2 बाउंड्री निकला इनका। चलिए दोस्तों ये हाल रहा। और आपको अब बता दें साउथ अफ्रीका को अब जीतने के लिए चाहिए 95 रन 20 ओवर में। अब देखते हैं बांग्लादेश कुछ कमाल कर पाए अगर अपना बॉलिंग से तो हो सकता है तो, लेकिन यहाँ पे तो मैच निकल चुका है दोस्तों। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे सेकेंड इनिंग में दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम ये स्ट्रीम को भी एंड करेंगे और सेकेंड इनिंग के लिए हम मिलेंगे। और आपको बता दें यहाँ पर साउथ अफ्रीका को चाहिए 95 रन 20 ओवर में। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम अब स्ट्रीम को एंड करने जा रहे हैं और सेकंड इनिंग में मिलेंगे। तब तक हम अपना स्क्रीन को हम थोड़ा सजा लें। अब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आएगी और बांग्लादेश बॉलिंग करेगी तो हमें अपना स्क्रीन को थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पे। इस वजह से हम अपना स्ट्रीम को एंड करने का सोच रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वापस हम 5 मिनट के बाद वापस लाइव स्ट्रीम करेंगे यहाँ पर।